हिंद महासागर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चीन एक बार फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार चीन ने अपने एक पोत को हिंद महासागर में भेज दिया है। ये जहाज फिलहाल भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना चीन की इस हरकत के बाद अलर्ट हो गई है। चीनी जहाज की कड़ी निगरानी कर रही है। अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पोत का मकसद इंडियन नेवी की एक्टिविटी पर नजर बनाए रखना भी हो सकता है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चीन का पोत हिंद महासागर में जरूर है, लेकिन भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है। इसके बाद भी सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लगातार चीन के उस पोत पर नजर बनाए हुए है। दरअसल चीन अपने उपग्रह प्रक्षेपण पर नजर रखने के लिए इस तरह के अनुसंधान संबंधित जहाजों को भेजता रहता है, लेकिन इस बार आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस जहाज का उद्देश्य उस भारतीय मिसाइल को ट्रैक करना हो सकता है, जिसकी कुछ महीनों में लॉन्चिंग है। जिस मिसाइल की बात की जा रही है उसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने तैयार किया है। भारत लंबे समय से ऐसे जासूसी जहाजों से निपट रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहकर भी अपने उपकरणों की मदद से गतिविधियों का पता लगा सकते हैं और उन पर नजर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इससे पहले चीन ने अपना एक जासूसी पोत भारत की समुद्री सीमा के करीब श्रीलंका में भेज दिया था। उस समय भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की लॉन्चिंग की तैयारियां कर रहा था।